आप सभी को जस्ट विद पंकज सिन्हा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपने देखना शुरू कर दिया है जस्ट विद पंकज सिन्हा इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं आशा करता हूं आपको पसंद आएगा और आप अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर करेंगे आज दो शिक्षाप्रद कहानियां लेकर आया हूं जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित है पहला कामयाबी से संबंधित है और दूसरा परेशानियों से डरे नहीं तो चलिए शुरू करते हैं भगवान बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे बुद्ध की बातें बेतुकी लग रही थीं। वह कुछ देर तक तो सुनता रहा फिर अचानक ही बोल उठा तुम पाखंडी हो बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो तुम्हारी बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती ऐसे कई कटु वचनों को सुनकर भी बुद्ध शांत रहे उन्हें शांत देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और भी उफन उठा उन्हें और भी तेजी से भला बुरा कहते हुए वह चला गया अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह पछतावे की आग में जलने लगा और बुद्ध को ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले दूसरे गांव की ओर निकल चुके थे उस व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगने लगा बुद्ध ने पूछा कौन हो भाई तुम्हें क्या हुआ है क्यों क्षमा मांग रहे हो उस व्यक्ति ने कहा मैं वही हूं जिसने कल आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया था मैं शर्मिंदा हूं भगवान बुद्ध ने उससे कहा बीता हुआ कल तो मैं वही छोड़कर आ गया हर कोई उस जगह को छोड़कर चला जाता है तुम अभी वही रुके हुए हो तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया तुमने पश्चाताप कर लिया और तुम निर्मल हो गए अब तुम आज में प्रवेश करो बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो दूसरी कहानी परेशानियों से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में रह रहे थे वहां की रानी गौतम बुद्ध का अलग अलग तरीकों से अपमान करती थी रानी ने अपने कुछ लोग बुद्ध को अपमानित करने के लिए और परेशान करने के लिए उनके पीछे लगा दिए थे रानी के आदेश पर वे सभी लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे लेकिन बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा उस समय बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य भी था उसका नाम था आनंद आनंद ने बुद्ध से कहा मैं लगातार देख रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं जहां हमारा अपमान होता है ऐसी जगह हमें नहीं रुकना चाहिए तब बुद्ध ने आनंद से पूछा हम कहां जाएंगे आनंद ने कहा किसी और जगह चले जाएंगे जहां ऐसे लोग ना हो बुद्ध बोले अगर वहां भी ऐसी ही परेशानियों बनी तो फिर कहां जाएंगे और हम कब तक भागते रहेंगे अपमान भी एक समस्या है हम अहिंसा धैर्य के साथ विनम्रता और शालीनता से ऐसे लोगों का सामना करेंगे बुद्ध की सीख परेशानियां हर जगह हैं हम परेशानियों से बच नहीं सकते इसीलिए समस्या चाहे कैसी भी हो हमें उसका सामना करना चाहिए धन्यवाद